एपिसोड 8। भाई साहब क्या कमाल का सीजन फिनाले था, मजा आ गया। इमोर्टल को मारने के बाद नोलन ने मार्क को फाइनली विल्टरमाइट्स का असली सच बताया। विल्टरमाइट्स ने परफेक्ट सिविलाइजेशन बनाने के चक्कर में अपने ही प्लैनेट के कमजोर निवासियों को मार दिया, ताकि बची हुई विल्टरमाइट रेस बिना किसी कमजोरी के एकदम परफेक्ट और पावरफुल हो। इसी लड़ाई में विल्टरम की आधी पॉपुलेशन मारी गई। फिर विल्टरमाइट्स ने अपने एम्पायर को आगे बढ़ाने अलग अलग प्लैनेट्स पर हमला करके उन पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे हजारों प्लैनेट्स इनके एम्पायर का हिस्सा बन गए। फिर विल्टरमाइट्स को रियलाइज हुआ कि इनके एम्पायर को और आगे बढ़ाने इन्हें नए और ज्यादा इफिशियंट तरीके की जरूरत पड़ेगी। विल्टरमाइट्स ने अपने सबसे पावरफुल ऑफिसर्स को अलग अलग प्लैनेट पर भेज दिया। इनका काम होगा अपने टारगेट प्लैनेट पर जाकर उसे अंदर से कमजोर बनाना, ताकि जब विल्टरमाइट फोर्सेस उस प्लैनेट पर कब्जा करने आएंगे तब उनके पास विल्टरमाइट्स को रोकने लायक कोई पावरफुल डिफेंस सिस्टम ना हो। नोलन भी विल्टरम एम्पायर के उन्हीं सिलेक्टेड ऑफिसर्स में से एक था जिसे प्लैनेट अर्थ मिला, और बस तब से नोलन अर्थ पर ट्रोजन हॉर्स की तरह इस प्लैनेट के डिफेंस सिस्टम को अंदर से खोखला बना रहा था। जैसे ही मार्को उसके पावर्स मिल गए, नोलन समझ गया कि अब इसके फाइनल प्लान को मोशन में लाने का समय आ गया, और इसीलिए उसने विल्टरम एम्पायर के यहाँ आने से पहले गार्डियंस को मार दिया। विल्टरमाइट्स हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं, बढ़ती उम्र के साथ साथ उनकी बॉडी भी एकदम स्लोली एज करती है। नोलन की एक्चुअल उम्र आराम से हजारों साल से ज्यादा होगी। उस हिसाब से नोलन का डेबी और मार्क के साथ अर्थ पर बिताया टाइम उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। नोलन डेबी से प्यार तो करता है, बट अगर नोलन के एक्चुअल मिशन की बात करें तो डेबी उसके लिए एक पालतू जानवर से कम नहीं। अपनी मम्मी के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें सुनते ही मार्क की सटक गई और उसने नोलन पर हमला कर दिया। नोलन ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की कि विल्टरम एम्पायर का हिस्सा बनने के बाद अर्थ का भला ही होगा, बट मार्क इसकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं था। एज एक्सपेक्टेड, मार्क का नोलन से कोई मुकाबला नहीं। फिर मार्क को सबक सिखाने नोलन उसे मारते हुए फुटबॉल बनाकर इंसानों से भरे शहर में लेकर गया। यहाँ नोलन ने मार्क की बॉडी को हथियार की तरह इस्तेमाल करके सैकड़ों मासूमों की जाने ली कि देख, इन कमजोर इंसानों की जाने बचानी थी तुम्हें, जो एक एक्सीडेंट हुआ नहीं कि कीड़े मकोड़े की तरह मरने लग गए। भाई ये सीन जरूरत से ज्यादा डार्क था। सबसे खतरनाक पार्ट तो वो था जब नोलन ने मार्क को चलती सबवे ट्रेन के सामने पकड़कर क्रैश करवाया। मार्क बस मासूम इंसानों को अपनी आंखों के सामने मरता देखने के सिवा कुछ नहीं कर सका। न्यू गार्डियंस के साथ साथ डेबी भी इस सारे इंसिडेंट को लाइव देख रही थी, मतलब उसने वो नोलन की पालतू जानवर वाली बात भी सुन ली। सीजल के मना करने के बावजूद भी न्यू गार्डियंस लोगों की मदद करने चले गए। वो ओमनी मैन को तो हरा नहीं सकते, बट एटलीस्ट हादसे में जख्मी लोगों की मदद तो कर ही सकते हैं ना। इतना सब देखने सुनने के बावजूद भी मार्क ने हार नहीं मानी। वो अब भी अपने फैसले पर अड़ा रहा, चाहे कुछ भी हो जाए मार्क विल्टरमाइट्स को अर्थ पर कब्जा करने नहीं देगा। यहाँ एक बात ध्यान में रखना, नोलन हजारों सालों से अपने प्लैनेट विल्टरम का वफादार ऑफिसर है। अर्थ पर इसने मार्क और डेबी के साथ तो बस कुछ ही साल बिताए थे। मार्क का स्टबर्न बना देखकर नोलन की फुल सटक गई और उसने डिसाइड किया कि वो मार्क को मार देगा। एक बच्चा मर गया तो क्या हुआ, आगे चल के ऐसे और बच्चे पैदा करेगा। नेक्स्ट टाइम वो अपने बच्चे को बचपन से ही विल्टरमाइट्स वाला कल्चर सिखाएगा, ताकि वो इस ह्यूमन मार्क की तरह इमोशनली कमजोर ना बने। इतना बोलकर नोलन मार्क को पंचिंग बैग की तरह कूटने लग गया, बट फिर अचानक उसे मार्क के बचपन के फ्लैशबैक्स आए। लगता है ह्यूमंस के बीच रह रहकर ये इमोशंस और लव वाला वायरस नोलन के अंदर भी चला गया। फिर नोलन मार्क को मारने के बजाय गुस्से में अर्थ को छोड़कर कहीं दूर स्पेस में चला गया। नोलन के वहां से जाते ही सीजल की टीम ने फौरन मार्क को हॉस्पिटलाइज कर दिया। ये भाई साहब आजकल घर में कम और पेंटागन के हॉस्पिटल बेड पर ज्यादा टाइम बिताते हैं। एनीवेज, सारी दुनिया ओमनी मैन के असली रूप को देखकर काफी हैरान थी। ओ, तो ये टेलर अब भी जिंदा है, गुड। सीजल की आर्मी ने मॉलर ट्विंस को पकड़ लिया। फाइनली एम्बर की अकल भी ठिकाने आ गई। ओमनी मैन के गायब होते ही सीजल ने नोलन को दुनिया के सामने मरा हुआ घोषित कर दिया। ढेर सारी लोगों की मदद करने के बाद न्यू गार्डियंस आकर पुराने गार्डियंस के खून के धब्बे साफ करने लगे। आखिरकार न्यू गार्डियंस ने मुश्किल वक्त में टीम स्पिरिट दिखाकर अपने आप को काबिल साबित किया। मार्क के रिकवर होते ही सीजल उसे एक सीक्रेट स्पेशल रूम में लेकर गया। यहाँ मार्क को पता चला कि डेबी ने ऑलरेडी नोलन की सारी बातें सुन ली थी, तो मतलब उसके सर से एटलीस्ट एक बोझ तो निकल गया, अपनी मम्मी को सब कुछ सच सच बताने वाला बोझ। सीजल की टीम इस स्पेशल रूम में सीक्रेट रिसर्च कर रही थी, इंक्लूडिंग इमोर्टल को फिर से जिंदा करने की तैयारी। ये रूम अमेरिका में रहने वाले आम इंसानों की नजर से छुपा हुआ है। सीजल की टीम ने अमेरिकन सिटीजन्स के पीने के पानी में केमिकल्स मिलाकर उनके विजन्स में बदलाव कर दिए। वो लोग अब एक स्पेसिफिक लाइट वेवलेंथ को नहीं देख सकते, बस उसी लाइट फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके सीजल ने इस रूम को छुपाए रखा। सीजल चाहता है कि नोलन के जाने के बाद मार्क उसकी जगह ले। घर वापस लौटते ही एम्बर, ईव और विलियम मार्क से मिलने चले आए। फिर सारे मिलकर मार्क का मूड ठीक करने उसे कैफे लेकर गए। डेबी अपना दिल हल्का करने और दिमाग हैवी करने जाकर आर्ट से मिली। मार्क कैफे में बैठा फाइनली सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक उसे सीजल का कॉल आया।
यहाँ विलियम और एम्बर को एटम यू की सुपर हीरो आइडेंटिटी के बारे में भी पता चला। स्पेस से कोई अननोन चीज तेजी से अर्थ के डायरेक्शन में आ रही थी। मार्क फौरन इनविंसिबल बनकर उसे रोकने चला गया। वह अननोन चीज एलन था, याद है ना, वह उरत वाला एलियन जो गलती से अर्थ पर आया था। एलन ने जब वापस जाकर अपने सिस्टम में अर्थ प्लैनेट के बारे में चेक किया, तब उसे पता चला कि अर्थ पर तो विल्टरमाइट्स की नजर थी, और एक विल्टरमाइट अर्थ पर रहकर वहां के डिफेंस सिस्टम को कमजोर बना रहा है। एलन यहां पर मार्क को इसी बात की चेतावनी देने आया था, भाई थोड़े लेट हो गए आप। विल्टरमाइट था भी और वापस चला भी गया। यह सुनकर एलन काफी हैरान था कि विल्टरमाइट्स ने एक बार किसी प्लैनेट को अपना टारगेट बना दिया तो लड़ाई के बिना वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाते हैं, और किसी विल्टरमाइट ऑफिसर का अपने टारगेट प्लैनेट को छोड़कर चले जाना ऐसा पहली बार हुआ था। विल्टरमाइट्स ने एलन के प्लैनेट पर भी हमला करके उसे तबाह कर दिया था। एलन ने मार्क को बताया कि कुछ प्लैनेट साथ मिलकर विल्टरमाइट्स को हराने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। उन प्लैनेट्स का कोलिशन जरूर मार्क से मिलना चाहेगा। हो सकता है कि वो लोग अर्थ पर हुए इस हादसे को अपने एडवांटेज की तरह यूज करें, क्योंकि अर्थ एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जहां का विल्टरमाइट ऑफिसर प्लैनेट पर बिना कब्जा किए उसे छोड़कर चला गया। बट जैसे ही विल्टर एम्पायर को इस बारे में पता चलेगा, वो इस प्लैनेट पर कब्जा करने किसी और को भेज देंगे। मार्क को हमेशा उस खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। गुड न्यूज के इनविंसिबल सीजन 2 और 3 के लिए रिन्यू हो गया। एंड सीन में हमने फ्यूचर में आने वाली इन्हीं स्टोरी लाइंस की झलक देखी, और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।